अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो यार हम आए हुए थे गुलगस्तरा में, काम था तो हमें भूख वगैरह लगी। तो यार अभी हम आए हैं ग्लोरिया जींस, तो हमने कहा इधर कोई कॉफ़ी शॉफी पीते हैं, हल्की फुल्की भूख लगी हुई है तो कुछ कॉफ़ी वगैरह ट्राई करते हैं, फिर घर चलते हैं। एहसन भाई भी हमारे साथ है। एहसन भाई शर्माते हैं आज कल लोग। यार शर्माने की क्या बात, बस यहाँ ज़रा काम आए हुए थे, हमने कहा यहाँ से खाते पीते हैं। अभी अंदर ग्लोरिया जींस आए थे, इनके पास कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं था, ना पिज़्ज़ा था ना कुछ। सिर्फ अभी 11:45 हुए हैं, 12 भी नहीं बजे, ना इनके पास पिज़्ज़ा अवेलेबल है ना कोई ब्राउनीज वगैरह अवेलेबल है। बस कहीं और चल लेते हैं, मशरूम्स देख ले, दिल के अरमान पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए चल लेते हैं। हाँ यार स्पेशल पिज़्ज़ा खाने तो नहीं जाना, जो खाना है फिर देख लो। चले फिर देखते हैं रास्ते में, अगर हमें कुछ मिलता है वाला मिलता है यार। वैसे बड़ी बात है यार, ना पिज्जा अवेलेबल है ना कोई पेस्ट्री अवेलेबल है, कोई चाचू चने वाला मिलता है। क्या इशू है वो कह रहे हैं, पता नहीं कोई इशू हो गया, तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कुछ। दिस इज आवर स्नैक गाइस। अभी हम मसूंस पे आए हैं यार, मसूंस पे आए हैं अभी, इधर से देख लेते हैं इनका बुलका, इधर से कुछ खा लेते हैं। ये भी कहेंगे अभी कुछ अवेलेबल नहीं है, वो शक्ल देख के कहते हैं कुछ अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होता है पर चलो कोई बात नहीं। सो गाइस ऑर्डर दे दिया अभी, बाकी अभी तो यार हल्की फुल्की सी भूख थी इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा बहुत मंगवा ली। ये क्यों आप लेके बैठे हुए? ये हमने कहा है तेरी बिलाल अभी दरवाजे के बाहर बैठे थे, वो कह रहा था क्या बर्गर दे दे थोड़ा सा केक कर फ्राइज आ गई थी, हमने खत्म कर दी है। हाँ तो यार पिज़्ज़ा भी आ गए, देखने में तो यार बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर ट्राई करते हैं। अच्छा लग रहा है। आपकी दाढ़ी पे क्या ले लो क्या लगा? वाइट वाइट चोर की दाढ़ी वो मेरा ख्याल ये है मायो गार्लिक है। और भाई कर रहे हैं यार ट्राई, यार खाओ फिर निकले, टाइम भी 12:30 तो हो गए, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाते हैं फिर घर की तरह चलते हैं। वेलकम बैक, आज हम 3 दिन बाद लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से आते गुलगस्त से ही आते हैं, तो हमें एक रेस्टर नज़र आया रैपिंग, यार इसका नाम है मंदी शवाबुल मदीना, तो हमने कहा इनके एक जो डिशें मंगाई हैं ये हमने मंदी मंगवाई है। तो अभी पराठा रोल भी आ रहे हैं, रैपिक रोल भी आ रहे हैं, ट्राई करते हैं फिर आज, हमने कहा रैपिक भी ट्राई करते हैं, ये तो हमें पता है रैपिक खाने थोड़े से फीके होते हैं, ट्राई करके देखते। बिलाल भाई लाए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बिलाल भाई को पता था फिक्के होते हैं इसलिए लेके आए। बिलाल भाई ने हमें नहीं बताया था, अली भाई का मुंह पका हुआ है। नहीं नहीं मेरा तो मुझे अली भाई कह रहे थे कुछ और खाना है, बिलाल भाई ले आए हैं यहाँ पे, चलो ट्राई कर ले। तो कहे थे हमारे अरेबिक रोल भी आ गए हैं, जैसे कि हमें पहले तो पता था इनका खाना थोड़ा सा फीका फीका होगा, नॉर्मल है, नॉर्मल ही है, इतना अच्छा नहीं है हमें क्योंकि पिके खाने इतने पसंद नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज है। नहीं पराठा रोल ट्राई करते हैं, और है भी जरूर ट्राई करो अली भाई। नहीं आप करो, मैं करता हूँ। गाइस हमने खा लिए, बस एक्सपीरियंस हमारा बस डेढ़ हो गया। सही है यार, बस मीट का ही टेस्ट आ रहा है बीच में चिकन का, बाकी तो जैसे वो उबले में चावल होते हैं। हाँ वैसे टेस्ट देखने में वैसे बड़ा अच्छा लगता है। इतना हमें पता था कि जो अरेबिक खाने होते हैं फीके होते हैं, ट्राई भी किया, अरेबिक रोल अच्छा है। हाँ ये अच्छा है, अरेबिक रोल अच्छा है, ये मंदी जो है ये नॉर्मल है, 10 out of 6। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो यार मजीद ऐसे मज़ेदार व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक कर दें, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। खाना देख के आपको लग सकता है कि हमने कितना खाया होगा, खाना ज़रा फिक्का था इस वजह से हमने नॉर्मली खाया है। आपको एक नेक्स्ट व्लॉग ओके लिए ओके लाफिज। आते जाते हमें एक ये चीज़ नज़र आई है, स्वीट डिश है इनकी, कोई हमने कहा यार ये भी ट्राई कर, बाकी तो हमने सब कुछ ट्राई करा है और आपको बताया हाँ अभी ये ट्राई करते हैं।
तो बिलाल भी करो ट्राई, इसको भी ट्राई करके देखते हैं, चम्मच से आया नहीं मेरे पास, पैसे टूट गया। अच्छा मैं कहता हूँ जितनी मैंने जितना वो खाना बुरा था उतना ही अच्छा, सीरियस मतलब ये आप देख सकते हैं जैसे वो ड्राई ड्राई नहीं है, बीच में जैसे मिल्क है, मुझे तो लग रहा है बीच में मिल्क है। अच्छा यार ये बेहतरीन।